मेवात के महान संत बाबा लाल दास जी महाराज का 483वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से नौगावा तहसील के गांव शेरपुर में मनाया गया। श्री श्री 108 बाबा लाल दास महाराज मंदिर विकास समिति शेरपुर के अध्यक्ष रवि कपूर ने बताया कि श्री श्री 108 बाबा लाल दास महाराज का 483वां जन्मदिन मनाया गया है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशाल मेले का आयोजन भी किया गया। मेले में आसपास के हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि बाबा के जन्म दिवस पर डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर के सहयोग से निशुल्क आंखों का विशाल कैंप लगाया गया है, जिसमें आसपास के गांव के लगभग 200 व्यक्तियों की आंखों की जांच की गई। शाम को सामूहिक आरती की गई। रात्रि 8 बजे के बाद प्रक्षालन एवं चादर समारोह का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बाबा के जन्मोत्सव पर 31 किलो का केक भी काटा गया। रात्रि 9 बजे से भीलवाड़ा म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा विशाल जागरण भी किया गया। जागरण में बाबा के हजारों भक्तों ने भजनों का आनंद लिया। जागरण में कृष्णा यश आर्ट्स ने सुंदर झांकियों का प्रदर्शन भी किया। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के समन्वयक अधिकारी समंदर सिंह ने बताया, जिला अंधता निवारण समिति और श्राफ हॉस्पिटल के तत्वाधान में निशुल्क आंखों का कैंप लगाया गया है। कैंप में लगभग 200 मरीजों को देखा गया, जिनमें से 83 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया है और 75 मरीजों को चश्मे के लिए प्रेरित किया गया। सभी मरीजों को दवाइयां भी दी गई हैं। बाबा लालदास मंदिर समिति की तरफ से सभी का साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी बाबा के जन्मोत्सव पर मंदिर पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान रवि कपूर, राजेंद्र नेमी चंद, निर्मल जांगीर, राजेश राठी, प्रवेश गुर्जर, कैलाश शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 7 जुलाई 2023 को विशाल नेत्रदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री श्री 108 श्री लालदास जी महाराज मंदिर शेरपुर में डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल एवं जिला अंधता निवारण समिति के संयुक्त तत्वधान में यह शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्री लालदास मंदिर समिति की तरफ से भरपूर सहयोग मिला। एक एक गांव के हर व्यक्ति को जागरूक किया गया। कैंप की सारी व्यवस्थाएं, कैंपिंग के लिए खाने की व्यवस्था, मरीजों के लिए खाने की व्यवस्था, कैंप का जो है पानी का, जल की, हवा के लिए बड़े बड़े कूलरों का है, अब बहुत अच्छी व्यवस्थाएं शिविर के अंदर की गई समिति की तरफ से। मैं हमेशा और हॉस्पिटल मंदिर कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस शिविर में लगभग 200 मरीजों की जांचें की गई हैं, जिसमें 55 लोग ऑपरेशन के लिए नियुक्त किए गए हैं, लगभग 73 लोग चश्मे के लिए प्रचार किए गए हैं और 13 लोग ऐसे हैं जिनको अदर आंखों की ऑपरेशन के लिए एडवाइज किया गया है, जो कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर उनकी संपूर्ण टेस्टिंग के साथ में ऑपरेशन किया जाएगा। इस प्रकार यह शिविर बहुत ही सफल रहा और मैं फिर से दोबारा से मंदिर कमेटी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और विशेष तौर पर टीम का, सभी का तो मैं नाम मिलते इतना नहीं है, लेकिन स्पेशली रवि कपूर जी हैं, मनोज जी हैं और सॉरी। आज 7 जुलाई वार शुक्रवार बाबा का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया है, जो कि डॉक्टर श्राफ हॉस्पिटल अलवर द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 150 यात्रियों की ओपीडी पेशेंटों की ओपीडी हुई है, जिसमें लगभग 50 से 60 ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, जिनके 25-30 ऑपरेशन के लिए पेशेंट आज अलवर भिजवा दिए गए हैं, जिनका कल ऑपरेशन होगा। बाकी के जो ऑपरेशन वाले पेशेंट बचे हैं उनका आगे डेट भी है, उनको भी यहीं से हम लेके जाएगा श्राफ हॉस्पिटल की गाड़ी से बिना किराए भाड़े के, और निशुल्क ऑपरेशन होगा, निशुल्क दवाई मिलेगी, निशुल्क ही उनको चश्मा मिलेगा। ये डॉक्टर श्राफ कमेटी शेरपुर मंदिर द्वारा उनका पूर्ण सहयोग किया गया है और इसमें खाना पीना जो मंदिर की तरफ से हुआ है, सारा दिन भंडारा चला है यात्रियों के लिए भी और मरीजों के लिए भी, और शाम को बाबा का जो जागरण, भव्य जागरण, स्नान, आरती प्रोग्राम होगा, उसके उपलक्ष्य में यहाँ भारी तादाद में भक्त लोग आएंगे और बाबा का जागरण समारोह मनाया जाएगा और शाम को केक काटकर बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। बोलो लालदास जी महाराज की जय। बाबा का 483वां है जो कि मनाया जा रहा है, 483 किलो का ही केक कटेगा।